केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 13 सितंबर से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को मास्क व हैंड सैनिटाइजर मुफ्त में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी से सीखने की जरूरत है। हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना से जंग में संसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा पहले दिन से प्रथम पंक्ति में खड़ी है। 13 सितंबर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सभी परीक्षार्थियों को संसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की ओर से मुफ्त मास्क एवं सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने सभी को उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं दी। इस समय पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है और हर कोई अपने अपने स्तर पर एक दूसरे की मदद के लिए प्रयासरत है। इस संकट की घड़ी में सेवा का भाव प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखने की जरूरत है, जिन्होंने सबको एक समान मानते हुए इस आपदा से बचने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया है। मैंने भी अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा कोरोना महामारी के प्रसार को कम करने के लिए संकट के समय भी चलाए रखी। वह इससे बचाव के लिए पहले दिन से प्रयासरत रहे। अब 13 सितंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हजारों छात्र परीक्षा देने के लिए एकत्रित होंगे और हमारा प्रयास है कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के लिए मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जा सके। मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान दें, वो पूरी निश्चिंता के साथ परीक्षा दें। कोरोना आपदा के चलते अब हमें नई जीवन शैली अपना लेनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, नियमित रूप से हाथों को धोना चाहिए। मास्क को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर ही हम कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना योगदान दे सकते हैं। आपको परीक्षा के लिए मेरी शुभकामनाएं, परीक्षा भी दीजिए और जो हमें अपनी एक परीक्षा और देनी है कि कोरोना से लड़ते समय इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PRTV न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट देहरा।